ऑफ व्यू से नाइन्थ क्लास में पहला और दूसरा चैप्टर से पूछा जाएगा, उसमें से दोनों चैप्टर पढ़ा चुके हैं, पहला चैप्टर का रिवीजन करवा रहे हैं। उसी के अंतर्गत पिछले क्लास में बताए थे कि 18th सेंचुरी में फ्रांस का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था, फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी। आज बताएंगे फ्रांस में दो उस समय के और जो बड़े प्रॉब्लम, दो और जो इम्पोर्टेंट घटना घटी उनके बारे में बताएंगे, जिसका एक का नाम है सब्सिस्टेंस क्राइसिस और दूसरा है फिलोसफर्स कंट्रीब्यूशन। इन दोनों टॉपिक के बारे में बताएंगे। 1715 से लेकर के 1789 के बीच फ्रांस का पॉपुलेशन बड़ी तेजी से बढ़ा। इसको डेटा से समझा जा सकता है कि 1715 में जहां फ्रांस का पॉपुलेशन 23 मिलियन था, यानी 2 करोड़ 30 लाख, वहीं जो है तो 1789 में फ्रांस का पॉपुलेशन बढ़ करके 28 मिलियन हो गए, यानी 2 करोड़ 80 लाख। यानी कि ये इस बीच में जो है सो 50 लाख लोगों का लोग पॉपुलेशन के रूप में बढ़े, लेकिन उस हिसाब से फूड प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। इसीलिए जो डिमांड था मार्केट में फूड ग्रेन का और जो सप्लाई था, इसके बीच में एक बड़ा गैप पैदा हो गया था, जिसके कारण फूड आइटम का जो है सो प्राइस बहुत ज़्यादा हाई था। लोग इतने महंगे जो है सो फूड आइटम को खरीद नहीं पा रहे थे, लोग स्टार्वेशन के शिकार थे। दूसरी स्थिति यह थी कि फैक्ट्रीज में, वर्कशॉप में जो काम करने वाले वर्कर थे, महंगाई के हिसाब से उनका सैलरी उनके ओनर्स इंक्रीज नहीं कर पा रहे थे। तीसरी स्थिति यह होती थी कि जब कभी जो ज़्यादा जो है सो कोल्ड, सीवियर कोल्ड पड़ता था, स्नोफॉल होता था, हेल स्टॉर्म होता था, तो उस समय क्रॉप फेल्योर हो जाता था, तो उस स्थिति में फसल का उत्पादन और ज़्यादा कम हो जाती थी और स्थिति ज़्यादा विकट हो जाती थी, लोगों के जीना जो है सो कठिन हो गया था इस स्थिति में। इसी स्थिति को कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस, हिंदी में इसको कहते हैं जीविका संकट। यानी ऐसी स्थिति, एन एक्सट्रीम सिचुएशन इन विच द लाइवलीहुड ऑफ द पर्सन बिकम इंडेंजर्ड, यानी कि ऐसी भीषण स्थिति जिसमें लोगों का जीविकोपार्जन के जो साधन है, द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड बिकम इंडेंजर्ड, यानी लोगों के जीविकोपार्जन का साधन जो है सो संकट में पड़ जाता है, जीना कठिन हो जाता है लोगों के लिए, वो ऐसी ही स्थिति को कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले फ्रांस में ऐसी ही स्थिति बनी हुई थी कि लोगों को लग रहा था कि उनके लिए जीना कठिन है, किसी तरह जी लेना, जिंदा रहना लोगों के लिए जो है सो मुसीबत का कारण बन रहा था। दूसरा जो टॉपिक है फिलोसफर्स कंट्रीब्यूशन। 18th सेंचुरी में फ्रांस के जो ट्रेडर थे, मर्चेंट थे, वे सब जो है फॉरेन ट्रेड के द्वारा, ओवरसीज ट्रेड के द्वारा जो है सो काफ़ी धन कमाए। ये धन उन्होंने सिल्क क्लॉथ और वुलन क्लॉथ के प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और साथ साथ एक्सपोर्ट या इंटरनल मार्केट में जो प्रॉस्पेरस सेक्शन के लोग थे, धनवान लोग थे, जैसे राजा का परिवार, रॉयल फैमिली या नोबिलिटी क्लास के लोग, ये सब खरीदते थे। इससे उन्होंने जो है सो ह्यूज जो है सो प्रॉफिट गेन किया था, काफ़ी धन कमाया था। अब वो धनवान हो गए थे, अब वे पढ़े, इस धन के कारण जो है सो एजुकेशन लेना शुरू किया था। ऐसे ही पढ़े लिखे एजुकेटेड क्लास के लोग, जिसमें बिजनेसमैन थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ट्रेडर थे, मैन्युफैक्चरर थे, ये सब साथ साथ जो प्रोफेशनल थे, जैसे गवर्नमेंट के ऑफिस में काम करने वाले लोग, लॉयर, जज, इसके टीचर, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब जो लोग थे, ये प्रोफेशनल हुए, इन सब को मिला करके जो एक नया जो
क्लास उभर करके सोसाइटी में आया, इसी को कहते हैं मिडिल क्लास। तो 18 सेंचुरी में ये मिडिल क्लास के लोगों का इमर्जेंस हुआ फ्रेंच सोसाइटी में। ये फ्रांस में पहले भी टैक्स इंक्रीज करने के को लेकर के पीजेंट्स लोग जो है सो रिवोल्ट करते रहे, लेकिन उनका उनके पास रिवोल्ट को सक्सेसफुल बनाने का और साथ साथ जो है सो रिवोल्ट करने के लिए एक प्लान वे का प्लानिंग का उनमें कमी थी, इसीलिए उनका रिवोल्ट कभी जो है सो सक्सेसफुल नहीं होता था, उसको क्रश कर दिया जाता था, सप्रेस कर दिया जाता, कुचल दिया जाता था, दबा दिया जाता था। लेकिन अब जो है यही काम जो है सो यही एजुकेटेड मिडिल क्लास के हाथ में आ गई। ये एजुकेटेड मिडिल क्लास की यह मांग थी कि सोसाइटी में बाय बर्थ किसी को प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, यानी कि जन्म के आधार पर लोगों को कोई स्पेशल राइट्स नहीं मिलना चाहिए जैसा कि नोबिलिटी और क्लर्जी क्लास को मिला हुआ था। इन लोगों का कहना था कि लोगों की सोसाइटी में रिकॉग्निशन जो पहचान उनके जो है सो एबिलिटी टैलेंट के आधार पर होनी चाहिए। इसी मिडिल क्लास के लोगों में बहुत सारे ऑथर सब हुए, जैसे जॉन लॉक, जीन जैक रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, ये सब जो है सो रिनाउंड जो है सो ऑथर थे। लेकिन ऐसे बहुत सारे ऑथर थे, इन लोगों ने जो जॉन लॉक ने टू ट्रिटीज ऑफ गवर्नमेंट नाम की एक बुक लिखी जिसमें उसने रिफ्यूट किया यानी खंडन किया इस बात का कि डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड द एब्सोल्यूट राइट्स ऑफ मोनार्क, यानी कि राजा के देवीय अधिकार के सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट्स ऑफ मोनार्क का मतलब ये हुआ कि उस समय का मोनार्क लोग कहता था कि उसको मोनार्क लोगों ने नहीं बनाया है लेकिन गॉड ने बनाया है, इसलिए अच्छा बुरा जो भी वह करता है उसके लिए गॉड उसको पनिश करेगा, रिवार्ड देगा, लेकिन लोगों को उसको पनिश करने का कोई राइट नहीं है। दूसरा जो ऑथर हुआ जीन जैक रूसो, उसने उसी के जॉन लॉक के काम को आगे बढ़ाया। उसने बताया कि गवर्नमेंट जो बननी चाहिए वो लोगों यानी पीपल के बीच और साथ साथ गवर्नमेंट के पीपल के रिप्रेजेंटेटिव के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होना चाहिए। जॉन लॉक और जीन जैक रूसो के इस विचारों को सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी कहते हैं। तो ये दोनों ये विचार दिए। इसके अलावा तीसरा जो था मॉन्टेस्क्यू, ये इसने द स्पिरिट ऑफ लॉ नाम की बुक लिखी। उसने बताया कि मोनार्क ऑटोक्रेटिक कैसे हो जाता है, मनमानी क्यों करने लगता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल क्यों हो जाता है। तो इसका कारण बताया कि गवर्नमेंट के पास तीन तरह के पावर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव पावर, एजुकेटिव पावर और जुडिशियरी पावर। वो कहा कि मोनार्क के पास ये तीनों पावर एक साथ आ जाते हैं, इसीलिए वह बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। और वैसे भी एक प्रोवर्ब है इंग्लिश में, पावर करप्ट द मैन, यानी कि ज़्यादा पावर जो है सो लोगों को करप्ट कर देता है, भ्रष्ट बना देता है। इसीलिए उस समय के मोनार्क ज़्यादा करप्ट होते थे, मनमानी करते थे, लोगों पर अत्याचार करते थे। ये मॉन्टेस्क्यू ने बताया ये तीनों पावर को यदि सेपरेट कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन में बांट दिया जाए तो इस समस्याओं को दूर किया जा सकता है। तो इन लोगों के जो विचार थे, यही ऑथर के जो ये विचार थे, इसको ऑथर को फिलोसोफर भी कहा जाता है, जो नए विचार देते हैं जो ऑथर, उनको फिलोसोफर कहा जाता है। तो ऐसे ही ये जॉन लॉक, जीन जैक रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, ये सब फिलोसोफर थे। इन लोगों के विचारों पर आधारित जो बुक थे, जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपते थे, उसको जो है सो सैलन में, कॉफ़ी हाउस में जोर जोर से पढ़ा जाता था ताकि जो अनएजुकेटेड लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, वो भी उसको सुने, समझें और इस तरह लोगों के बीच जागरूकता पैदा इन ऑथरों ने किया और जिसके माध्यम से लोग जो है सो मेंटली फ्रांस के लोग रिवोल्यूशन के लिए तैयार हुए, जो यूरोप के दूसरे देशों में ऐसा संभव नहीं हो पाया। इसीलिए फ्रांस में ही रिवोल्यूशन हुआ, जबकि फ्रांस की तरह की स्थिति यूरोप के दूसरे देशों में थी, लेकिन वहाँ फ्रांस की तरह फिलोसोफर नहीं हुए, इसीलिए उन देशों में रिवोल्यूशन नहीं होने का कारण यही है, बल्कि फ्रांस में जो है तो रिवोल्यूशन होने का कारण उसका फिलोसोफर्स अगले